गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। आप जानते ही हैं जो ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट हो गया है, इस कारण से मैं कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, लेकिन मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप को सुविधा मिल सके। हाँ, लेकिन देर होगा। नेक्स्ट न्यू बैच जो है 12th जेई नीट के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 24 जुलाई 6 to 8 PM शाम में 6 से 8। 24 जुलाई से स्टार्ट होगा बैच, और फाउंडेशन जो कि 21 और 23 के लिए जो बच्चे हैं, जो 21 और 23 में यानी जो इस बार 10th पास किया है, उस बच्चे के लिए 21 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है 8 to 10 AM 8 बजे से 10 बजे, ठीक। तो जो भी बच्चे हैं आकर के एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है। और आप जानते हैं जो केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे अहम रोल है, केमिस्ट्री में कुछ याद भी करना है और कुछ रटना भी है, तो ये सब आप याद रखें। इससे पहले लेक्चर नंबर 11 तक आपको हम ऐप में सेव कर दिए थे। देखिए, आपका ये वीडियो जो है सो YouTube पे ना मिले तो ये ना सोचिएगा जो वीडियो बंद हो गया, ऐप के थ्रू जाते ही रहता है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है वे ऐप में डाउनलोड किया गया है, ठीक। चलिए देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। हम लोग जानते हैं जो कोलॉइड्स दो टाइप का, एक लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक होता है। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, यानी हमसे कहा जाए जो लायोफिलिक और लायोफोबिक में किसका स्टेबिलिटी है, तो लायोफिलिक का स्टेबिलिटी ज्यादा है। लायोफिलिक कोलॉइड्स प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है वे लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है। व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल द लायोफिलिक पार्टिकल फॉर्म ए लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल एंड दस प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। देखिए क्या ये बात कहे हैं, ये हम लोगों का जो है लायोफोबिक, मानिए जो ये क्या है लायोफोबिक है। लायोफोबिक सोल पे निश्चित रूप से चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नहीं तो निगेटिव चार्ज, लेकिन निश्चित रूप से क्या होता है, चार्ज होता है। अब यदि उसके ऊपर निश्चित रूप से चार्ज है और चार्ज के कारण ही तो ये अस्टेबल है, समझ रहे हैं बात, चार्ज के कारण ही ये क्या है, अस्टेबल है। यानी यदि चार्ज ना रहे तो ये तो कोगुलेट कर जाएगा, ये बात तो पहले ही समझा दिए हैं। अब इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं तो निगेटिव, तो इस चार्ज के कांटेक्ट में जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, ध्यान दीजिए क्या इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हैं ना, जो वैसा कंपाउंड जिसके पास कैटाइन और एनाइन दोनों हो, तो उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो यदि हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव इसको कोगुलेट करा देगा। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, ये लायोफिलिक सोल ऐड कर दिए,
ये लायोफिलिक क्या काम करता है, लायोफोबिक के राउंड एक लेयर बना देता है, एक सीथ बना देता है। अब ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है भी तो लायोफिलिक के कांटेक्ट में आ जाएगा और लायोफिलिक पर बहुत ही कम चार्ज होता है, तो इस तरह से ये जो लायोफोबिक को लायोफिलिक बचा लेता है। वही बात है यहाँ पे, देखिए व्हेन ए लायोफिलिक सोल्स इज एडेड टू एड हियर लायोफोबिक सोल द लायोफिलिक पार्टिकल फॉर्म ए लेयर। लायोफिलिक पार्टिकल क्या किया, एक लेयर बना दिया अराउंड लायोफोबिक, किसके, लायोफोबिक के अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल एंड दस प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, और इस तरह से वे इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट किया। अब ये जो लायोफिलिक सोल है, जैसा कि स्टार्च, गम, जिलेटी, इस सभी का प्रोटेक्ट करने का पावर तो अलग अलग है, क्या समझे, प्रोटेक्ट करने का पावर अलग अलग है। सपोज कीजिए यदि आप नाम सुने होंगे बिहार पुलिस, नाम सुने होंगे BSF, नाम सब सुने हैं ना, तो क्या सभी का पावर एक ही है, अलग अलग है कि नहीं, आदमी तो एक ही है लेकिन पावर अलग अलग है। उसी तरह से ये स्टार्च हो, गम हो, जिलेटिन हो, सबका सब लायोफिलिक है और सभी का प्रोटेक्ट करने का पावर क्या है, अलग अलग है। तो लायोफिलिक सोल का जो प्रोटेक्शन पावर है वे गोल्ड नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा, किस नंबर के रूप में, गोल्ड नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अब हम आगे देखते हैं जो गोल्ड नंबर क्या है। गोल्ड नंबर, इसके बारे में जानकारी किसने दिए, सिगमंड डेव। तो गोल्ड नंबर क्या है, एक यूनिट है जिसका यूज करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन पावर के रूप में, यानी किस लायोफिलिक सोल का कितना प्रोटेक्शन पावर है ये बताता है। तो चलिए देखिए, अब ये 10 ml गोल्ड सोल है, और जानते हैं जो गोल्ड सोल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव। ध्यान दीजिए, 10 ml ले लीजिए, 10 cc ले लीजिए, तो 10 ml गोल्ड सोल में यदि हम 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दें तो ये कोगुलेट कर जाएगा। समझ रहे हैं बात, 10 ml गोल्ड सोल जो कि निगेटिव सोल होता है, इसमें 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड कर दें तो ये कोगुलेट कर जाएगा। किसके कारण, क्योंकि सोडियम पे प्लस होता है और इस प्लस के कारण ये माइनस वाला कोगुलेट कर जाएगा। लेकिन इतना ऐड करने से पहले जितने मिलीग्राम लायोफिलिक सोल का जरूरत पड़े, लायोफिलिक सोल इसे के यूज करने से पहले इसको हम डाल दें, किस टर्म में, मिलीग्राम के टर्म में, जितने मिलीग्राम जरूरत पड़े इसको कोगुलेशन से बचाने के लिए, किससे, 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से, लायोफिलिक सोल का वही गोल्ड नंबर बन गया। ध्यान दीजिए, यदि ए कोई लायोफिलिक सोल है और उसका हम जो है 12 मिलीग्राम लिए और 12 मिलीग्राम ले करके इसमें डाल दिए, अब फिर ये सॉल्यूशन यूज कर दिए, तो पता चला जो कोगुलेट हो गया, इसका मतलब ए का गोल्ड नंबर 12 नहीं हुआ। अब हम इसको बढ़ा दिए, अब 25 मिलीग्राम कर दिए, तो पहले इसको ऐड कर दिए, अब ये डाल रहे हैं,
तो पता चला जो अब कोगुलेट नहीं कर रहा है यानी अब प्रोटेक्टेड है, तो ए का गोल्ड नंबर क्या कहलाएगा? 25। देयरफोर गोल्ड नंबर ऑफ ए इक्वल टू 25। क्लियर हो गया? यानी फिर से 10 ml गोल्ड सोल है और उस 10 ml गोल्ड सोल में यदि 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन हम ऐड कर दें तो पता चला क्या, जो वे कोगुलेट कर जाएगा, लेकिन उससे पहले जितने मिलीग्राम का जरूरत पड़े इसको कोगुलेशन से बचाने के लिए वही उसका गोल्ड नंबर कहलाएगा। अलग अलग लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर तो अलग अलग होगा, तो ध्यान रखें जो गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक सोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोटेक्शन पावर, समझ रहे हैं बात को, यानी गोल्ड नंबर जितना ही कम होगा प्रोटेक्शन पावर क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोटेक्शन पावर, प्रोटेक्शन कैपेसिटी, समझ गए बात को? तो याद रखिएगा जो लोग 12th में देना चाह रहे हैं, हाईएस्ट गोल्ड नंबर स्टार्स का होता है 25 और लोवेस्ट गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है 0.01 से 0.05, समझ गए? तो ये हाईएस्ट गोल्ड नंबर, ये लोवेस्ट गोल्ड नंबर हम लोगों को याद रखना है। अब उम्मीद है जो समझ में आ गया होगा, अब इस पर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए वीडियो को आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पहले कुछ पॉइंट लिख देते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक बच्चा, तो स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड ग्रेटर इज द प्रोटेक्शन पावर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब समझ गए ना? जस्ट अपोजिट, कुछ गोल्ड नंबर दे दिए, जिलेटिन स्टार्च, तो याद रखिएगा जिलेटिन एंड स्टार्च हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है और रिस्पेक्टिवली जिलेटिन एंड स्टार्च, स्टार्च का ना ज्यादा है तो ये होगा मिनिमम, जिलेटिन का सबसे कम और स्टार्स के केस में क्या कहेंगे, मैक्सिमम। समझे बात को? वैल्यू से ही देख लीजिए, गोल्ड नंबर का एक फार्मूला बना दिए, जो गोल्ड नंबर यदि निकालना हो तो 10 इंटू मास ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम और वॉल्यूम ऑफ लायोफिलिक सोल इन ml। थोड़ा सा ये याद रखें, जो 1 मिलीग्राम यदि कहा जाए तो 10^-3 ग्राम ये जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अब इस पर हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो ये सवाल देखिए, ट्राई कीजिए अपने से वीडियो को पॉज करके एक बार। ऑन एडिंग 1 ml सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml गोल्ड सोल इन द प्रेजेंस ऑफ इतना ग्राम स्टार्च टू दैट कोगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड, व्हाट विल बी द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। यानी कहा जा रहा है जो 10 ml जो गोल्ड सोल है उसमें इतना ग्राम यदि स्टार्च डाल देते हैं तो प्रिवेंट हो जाता है। तो हम लोग तो 10 ml को लेकर के ही बात किए हैं, सिर्फ इसमें ये जो ग्राम है इसको मिलीग्राम में बदल दीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा मिलीग्राम के टर्म में ही बात करेंगे, तो कहेंगे जो हम जानते हैं जो 10^-3 ग्राम इक्वल टू 1 मिलीग्राम, तो देयरफोर 0.25 ग्राम
है ना, तो 1/10^-3 और 0.25। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 25000 हो जाएगा, यानी 250 आ गया। ये 250 जो है ये कितना ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हैं? तो 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से हम लोगों को डायरेक्ट दिया ही हुआ है जो प्रोटेक्शन पावर क्या करना है, निकालना है, यानी गोल्ड नंबर निकालना है। तो ये 10 ml को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वही ना हो गया, समझ रहे हैं बात को। यानी ये तो सवाल में ही दिया हुआ है जो 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना, तो देयरफॉर गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च क्या बोल दीजिएगा, 250। ठीक, चलिए इस पर एक और सवाल ले लेते हैं, इसमें उतना आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, चलिए पॉज कीजिए। तो नेक्स्ट सवाल देखें, द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ सबस्टांस एक्स टू इट बिफोर एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट द गोल्ड नंबर। यानी हमसे कहा जा रहा है जो 100 ml का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का, उसको बचाने के लिए इतने ग्राम सबस्टांस एक्स चाहिए, तो बताइए जो इसका गोल्ड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी अमाउंट लिया गया उसको तो आप मिलीग्राम में बदलें बाबू, तो क्या कहेंगे, 10^-3 g = 1 mg, है ना। अब क्या कहिएगा जो 0.25 g, तो 1 mg - 3 और 0.25, तो सॉल्यूशन करके इतना मिलीग्राम हो गया। ठीक, और इतना मिलीग्राम जो है कितना 100 ml के द्वारा, तो कहेंगे 100 ml गोल्ड सोल जो है इसको प्रिवेंट कराने के लिए 250 mg चाहिए, तो देयरफॉर कितना ml का बात करेंगे, 10 ml का। क्यों? क्योंकि ये तो फार्मूला है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो रूल है। अब यानी कितना आ गया, 25। देयरफॉर कह देंगे जो गोल्ड नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 25, यानी स्टार्च हो गया। फिर से एक बार देखिए, ये जो 100 ml गोल्ड सोल है, और इस 100 ml गोल्ड सोल में इतना ग्राम यदि कोई एक्स सबस्टांस डाल दिया गया तो कोगुलेशन से बच जाता है। अब कोगुलेशन से बच जाता है तो बताना है जो इस एक्स का गोल्ड नंबर क्या होगा। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, तो ये जो एक्स का ग्राम है उसको मिलीग्राम में बदल लेंगे। अब मिलीग्राम से हमको पता चल गया जो इस अब मिलीग्राम बदल गया, अब कहेंगे जो 100 ml के लिए इतना मिलीग्राम चाहिए, इसीलिए 10 क्यों कहे ये बात समझना है, क्योंकि रूल ही बना हुआ है जो 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्शन से बचाने के लिए। ठीक, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कॉन्गो रूबीन नंबर, कॉन्गो रूबीन नंबर क्या है, ये जस्ट लाइक गोल्ड नंबर के ही जैसा टर्म है। हम लोग क्या करेंगे, इस बार 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबीन एक डाई है, उसको ले लिया जाएगा। यदि इसमें हम 0.16 g इक्विवेलेंट KCl ऐड कर दें, तो ये जो डाई है, ये जो कलर है, इसका कलर खत्म हो जाएगा। यदि 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबीन में ये यूज कर दिया जाए तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन इतना यूज करने से पहले
जितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड यानी लायोफिलिक लायोफिलिक कोलॉइड्स ऐड करें किस टर्म में, मिलीग्राम में, वही उस लायोफिलिक का क्या बन जाएगा, गोल्ड नंबर बन जाएगा। फिर से 100 ml 0.01% कॉम्बो रूबीन डाई है, उसमें इतने ग्राम इक्विवेलेंट KCl यूज कर दें तो वे कलर खो देगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन इतना डालने से पहले जितने मिलीग्राम लायोफिलिक सोल का जरूरत पड़ेगा कलर को बचाने के लिए, किससे, इससे बचाने के लिए, वही उसका क्या बन जाएगा, कॉन्गो रूबीन बन जाएगा नंबर, किसका, लायोफिलिक सोल का बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये गोल्ड नंबर क्या होता है वे फिनिश्ड कर लिए। जहां तक 12th का बात है तो सिर्फ याद रखें हाईएस्ट गोल्ड नंबर स्टार्च का, लोवेस्ट गोल्ड नंबर जिलेटिन का। जिलेटिन प्रोटेक्ट द आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो याद रखें 21 जुलाई को फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, कितना बजे, 8 to 10 AM सुबह में 8 to 10, और 12th के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है 24 जुलाई को शाम 6 to 8 PM। सभी में एडमिशन ओपन है, सभी में एडमिशन ओपन है, और नंबर दे दिए हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं नंबर पे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस नंबर पे एडमिशन इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन 12th एंड टारगेट।